अगर कोई पूछे कि एशिया की सुपर पावर कौन है तो चीन के बाद भारत का ही नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस भारत को एशिया की सुपर पावर कहा जाता है, असल में पहले वह एशिया का हिस्सा हुआ ही नहीं करता था। वह तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का पार्ट था, लेकिन फिर भारत एशिया का हिस्सा कैसे बन गया और कैसे ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से अलग हुआ? वेल, ये कहानी सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसे जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 20वीं सदी, जिसे विज्ञान, आविष्कार और रिसर्च की सदी कहा जाता है, इसी समय बहुत से वैज्ञानिक अपनी अलग अलग थ्योरी को लेकर आए। इन्हीं में से एक थे अल्फ्रेड वैगनर, जिन्होंने सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत दिया। 1912 में जब अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ था कि आज के 7 कॉन्टिनेंट पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करते थे। लेकिन रिसर्च के बाद वैगनर की बातें सच साबित हुई और पता चला कि आज के महाद्वीप पहले एक जगह इकट्ठा हुआ करते थे। तभी एक और शॉकिंग न्यूज सामने आई कि भारत, जो आज एशिया का अटूट हिस्सा है, जिसके नाम पर एक अलग से महासागर है, असल में पहले यह एशिया से नहीं बल्कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका से जुड़ा हुआ था। तो फिर आखिर कैसे भारत एशिया का हिस्सा बन गया? भारत ऑस्ट्रेलिया से कैसे अलग हुआ, जानने से पहले आपको कॉन्टिनेंट्स के बनने की कहानी जान लेनी चाहिए। 4.5 अरब साल पहले जब एक भयंकर विस्फोट से सोलर सिस्टम का जन्म हुआ तो बहुत सारे प्लैनेट, कॉमेट, एस्टेरॉयड बने, जिनमें से हमारी धरती भी एक थी। हमारी धरती इन सभी प्लैनेट में सबसे अलग है क्योंकि यहाँ पर जीवन पाया जाता है। असल में आज हमारे सामने जो वर्ल्ड मैप है वह स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था, क्योंकि आज हमें वर्ल्ड मैप पर जो 7 कॉन्टिनेंट और 5 महासागर दिखाई देते हैं, ये बात है आज से 2500 करोड़ साल पहले की, जब धरती पर केवल एक कॉन्टिनेंट और एक महासागर मौजूद था। इस कॉन्टिनेंट का नाम था सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया और इस महासागर को सुपर ओशन पैंथालासा कहा जाता था। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि सुपर कॉन्टिनेंट एंड सुपर ओशन की ये थ्योरी सबसे पहले एक जर्मन जलवायु शास्त्री अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। लेकिन जब 1912 में वैगनर ने यह बताया कि आज के सभी कॉन्टिनेंट पहले एक ही जगह जुड़े हुए थे तो किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि उस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज्यादा लोगों को सुप्रीम पावर पर यकीन था और उन्हें लगता था कि धरती पर जो भी जैसे भी मौजूद है वह सब ईश्वर ने बनाया है और वह पहले से ही ऐसा है। लेकिन फिर वैगनर ने कई सारे प्रमाण दिए और वर्ल्ड का मैप दुनिया के सामने रख उनकी बाउंड्री को दिखाया। वर्ल्ड के सभी कॉन्टिनेंट की बाउंड्री एक दूसरे में फिट होती नजर आती है। जैसे आप ब्राजील और अफ्रीका को ही ले लीजिए, ऐसा लगता है कि ये एक ही पार्ट से टूटकर अलग हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने 2 कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले जीवों का एग्जाम्पल भी दुनिया के सामने रखा और बताया कि मेसोसॉरस, जो कि पानी में रहने वाला एक एशियंट जीव था, जिसे आप आज के सांपों का पूर्वज भी मान सकते हो, जैसे बंदरों को इंसान का पूर्वज माना जाता है, इसके अवशेष साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट में मिले हैं। लेकिन आज साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में एक बड़ा महासागर है, जिसकी वजह से इनका एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ट्रेवल करके आना संभव ही नहीं है। ये साबित करता है कि जब ये कॉन्टिनेंट अलग हुए थे तब मेसोसॉरस भी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर पहुंच गया था। मेसोसॉरस के अलावा और भी बहुत सारे जीव थे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में मिले हैं, जबकि अब इनके बीच में एक बड़ा महासागर है और इनके लिए महासागर को पार करके दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुँचना पॉसिबल ही नहीं है। पर जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उन्नति की, वैसे वैसे वैगनर की बातें सच होकर सबके सामने आ गई कि असल में सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया ही टूटकर 7 भागों में बढ़ गया है, जो आज हमारे सामने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका के रूप में है। लेकिन सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया एकदम से ही इन 7 भागों में नहीं बढ़ गया था। सबसे पहले सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया 2 भागों में टूटा। ये बात है जुरासिक पीरियड की, जब पैंजिया टूटा और इसके उत्तरी भाग को लॉरिसिया और दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। अब गोंडवाना लैंड से आपको भारत का दक्षिणी पार्ट याद आता होगा, जिसे आज भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा बताया जाता है। ऐसे एक सुपर कॉन्टिनेंट से 2 कॉन्टिनेंट बन गए और साथ ही सुपर ओशन पैंथालासा के भी पार्ट्स होने शुरू हो गए। जब लॉरिशिया और गोंडवाना लैंड अलग हुए तो इनके बीच में एक वाटर बॉडी बन गई, जिसे टैथिस सागर कहा गया। ये वही टाइम था जब दुनिया में अलग अलग माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा था, जिनमें से हमारे देश की शान और वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज हिमालय का फॉर्मेशन भी शामिल था। जब इंडियन कॉन्टिनेंट की प्लेट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका से अलग होकर उत्तर की तरफ बढ़ने लगी,
तो 5 करोड़ साल पहले यह जाकर एशियन कॉन्टिनेंट से टकरा गई थी। इस टकराहट की वजह से वहां मौजूद धरती में फोल्ड पड़ गए, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यही वजह है कि हिमालय को फोल्डेड माउंटेन भी कहा जाता है। हिमालयन रेंज के फॉर्मेशन के समय इंडियन कॉन्टिनेंट प्लेट एशियाई प्लेट के नीचे सरक गई थी, और यही वजह है कितने दबाव के बावजूद आज भी इंडियन प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रति ईयर की स्पीड से आगे बढ़ रही है। ऐसे तो वह दिन दूर नहीं जब किसी दिन हम सोएंगे भारत में और ब्रेकफास्ट करेंगे चीन में। वेल, ये तो थी मजाक की बात, लेकिन इंडियन प्लेट की इसी मूवमेंट की वजह से माउंट एवरेस्ट हर साल 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है और नेपाल को भूकंपों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि कहीं ना कहीं नेपाल में आने वाले भूकंप का जिम्मेदार इंडियन प्लेट का मूवमेंट ही है, क्योंकि आज भी हमारा देश भारत उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और एशिया को धीरे धीरे पुश करके आगे जाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं ये ही नेपाल में आने वाले भूकंप के लिए जिम्मेदार है। तो अब तक तो हुई सुपर कॉन्टिनेंट के टूटने की बात, तो आइए अब आते हैं अपने उस सवाल पर जो हमने स्टार्टिंग में उठाया था कि आखिर भारत एशिया का हिस्सा बना कैसे, जब पेंजिया से टूटकर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका और भारत अलग हुए थे, तो इन 5 को एशिया में मिलना चाहिए था, लेकिन एशिया में केवल भारत जुड़ा और बाकी के 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गए। असल में इसके लिए धरती में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट जिम्मेदार है। अगर धरती की बात की जाए तो धरती एक सॉलिड बॉल की तरह है, जिसमें ऊपर का 1% इसकी प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट, बीच का 84% इसकी मेंटल और सबसे लास्ट का 15% इसका कोर है। साथ ही धरती के अंदर का हिस्सा इतना गर्म है जितना हमारा सूरज, और जब ये गर्मी ऊपर की तरफ पहुंचती है तो ठंडी प्लेटों को पिघलाकर आगे की तरफ प्रवाहित करने लगती है। इन पिघली प्लेटों से लावा ऊपर आता है, जिससे धरती की सरफेस टूटती है और अलग हो जाती है। यही वजह है जिससे सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया पहले 2 भागों में बटा और उसके बाद ये अलग होकर 7 भागों में बट गया। लेकिन इन टेक्टोनिक प्लेटों का मूवमेंट अभी भी जारी है और भारत आज भी एशिया में ही आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब भारत एशिया का भाग बना तो ये किस स्पीड से आगे बढ़ रहा था? उस समय इंडियन कॉन्टिनेंट 15 से 20 सेंटीमीटर पर ईयर की गति से आगे जा रहा था, लेकिन वैसे तो ये स्पीड ज्यादा नहीं है, पर अगर दूसरे कॉन्टिनेंट्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो ये स्पीड ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सच में हैरान कर देने वाला है कि इंडियन कॉन्टिनेंट की यह स्पीड बाकी के कॉन्टिनेंट से 4 गुना से भी ज्यादा थी। जहां बाकी के कॉन्टिनेंट 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति ईयर की स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, वहीं भारतीय महाद्वीप की स्पीड 15 से 20 सेंटीमीटर पर ईयर थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर भारत बाकी के कॉन्टिनेंट से ज्यादा तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा था? असल में इसके पीछे इंडियन कॉन्टिनेंट के नीचे पाए जाने वाले प्लूम जिम्मेदार है। प्लूम एक मोटी पाइप की तरह होते हैं जो धरती में मौजूद मेंटल के लावा से जुड़े रहते हैं। जब इन पाइप के थ्रू ये लावा कॉन्टिनेंट से ऊपर की ओर आने लगता है तो ये प्लेट को पिघलाता है, जिससे प्लेट टूटकर अलग हो जाती है। यही वजह है कि जहां बाकी के कॉन्टिनेंट में टेक्टोनिक प्लेट 180 से 300 किलोमीटर मोटी है, वहीं भारतीय प्लेट 80 से 100 किलोमीटर तक मोटी है। इस हल्की और पतली प्लेट की वजह से भारतीय कॉन्टिनेंट इतनी तेजी से आगे बढ़ा और एशिया का हिस्सा बन गया। तो यह तो थी भारत के एशिया से जुड़ने की कहानी, लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय कॉन्टिनेंट जो आजकल नेपाल में भूकंप का रीजन बना हुआ है, असल में धरती से डायनासोर जैसी विशाल प्रजाति का अंत करने के लिए भी जिम्मेदार है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है, क्योंकि डायनासोर का विनाश तो आज से 6.5 करोड़ साल पहले चिक्सुलब नाम के एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से हुआ था। इसमें इंडियन कॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल कैसे हुआ? वैसे आपकी बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन मिशिगन यूनिवर्सिटी ने जब महाराष्ट्र के डेकन ट्रैप से मिले 6.5 करोड़ साल पहले के फॉसिल की रिसर्च कराई तो उन्हें पता चला कि इस फॉसिल में मरकरी की बहुत हाई क्वांटिटी मौजूद है, जिससे यह सामने आया कि जब यह एस्टेरॉयड दुनिया पर गिरा था उससे पहले ही इंडियन कॉन्टिनेंट पर हो रहे ज्वालामुखी विस्फोट, जिनसे डेकन ट्रैप बना हुआ है उससे निकलने वाली जहरीली गैस वातावरण में फैल चुकी थी, जिससे जमीन इतनी ज्यादा बर्बाद हो चुकी थी कि यहाँ पर पेड़ पौधों का नामो निशान भी नहीं बचा था, और इस लावे की वजह से पानी में सल्फर की मात्रा बढ़ चुकी थी, जिससे समुद्रों का पानी एसिड में बदल गया था, जिससे धरती पर जीवन का अविनाश एस्टेरॉयड के गिरने से पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन हाँ, एस्टेरॉयड ने इस काम में इतनी ज्यादा तेजी ला दी कि धरती की 75% आबादी एक ही झटके में समाप्त हो गई। मगर ये भी सच है कि अगर ये एस्टेरॉयड नहीं भी गिरता तो भी डायनासोर का खात्मा तो धरती से हो ही जाना था।
तो आपको क्या लगता है कि जिस स्पीड से इंडियन कॉन्टिनेंट आगे बढ़ रहा है, भारत क्या यूरोप का हिस्सा बन जाएगा, या फिर इससे पहले ही बढ़ते प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती फोर्थ सामूहिक मास एक्सटिंक्शन को देखेगा? अपनी राय को हमें कॉमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।